वालेकुम स्टूडेंट 100 कैलकुलस इंटीग्रल चैलेंज के अंदर हम लोग हाजिर हैं। 100 कैलकुलस इंटीग्रल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 100 कैलकुलस इंटीग्रेशंस के सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ मेथड्स को डिस्कस करने, सारे इंटीग्रल्स के अंदर जितने भी मेथड्स हैं हम सारे कवर करेंगे, चाहे वो लिमिट्स के हों, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हों, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, इनवर्स हाइपरबोलिक हो, हाइपरबोलिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, सारे इंटीग्रल्स प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आ गए और ये है अंडर रूट x प्लस 1 ओवर अंडर रूट x dx। अब इसकी सॉल्यूशन के देखें, अब अंडर रूट का मतलब है, इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अंडर रूट को सॉल्व करना, अंडर रूट इक्वल होता है 1 बाई 2 के। हम इसकी इंटीग्रेशन लेना इंतहाई आसान तरीके से सीखेंगे, साथ जो जो फॉर्मूला आएगा वो आप लोगों ने याद करना है, ठीक हो गया। अब जैसे हम लोगों ने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आई होप आप लोगों ने पहला प्रॉब्लम की वीडियो देखी है। पहले प्रॉब्लम की वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे जाके टैली मैथ सर्च करें, टैली मैथ के प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट के अंदर होगा 100 इंटीग्रल, आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा 100 इंटीग्रल, ठीक है क्या, 100 इंटीग्रल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इस टाइप का कुछ हमारे पास प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक हो गया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब सॉल्यूशन इसका स्टूडेंट्स कैसे होगा, देखें सबसे पहली चीज कि आप इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग कर रहे हैं, अंडर रूट एक्स ऑफ डी एक्स प्लस, ठीक है, इसी तरह आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एक्स और डी एक्स, ये चीज आ गई, ठीक है। अब हम एक्स किसके इक्वल होता है 1 बाई 2 के, मतलब एक्स कह रहा हूं अंडर रूट, अंडर रूट की जगह मैंने इसकी पावर को चेंज कर दिया, 1 बाई 2 लिख लिया, ठीक हो गया, क्योंकि हम पावर सॉल्व कर सकें। इसी तरह यहां पे भी हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1 बाई 2 कर लेंगे और डी एक्स, ठीक है। अब हमने ये चीज देखिए, इसका इंटीग्रेशन जब लेना होगा ना, मैंने कहा था अगर रूल याद रखना है, अगर पिछली वीडियो में अगर फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर में जो कुछ हो, फंक्शन की पावर में जो कुछ हो, सो यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स उसको इक्वल फंक्शन और उसकी पावर में एक ऐड कर लोगे और उसकी पावर को नीचे लिख लोगे, मतलब इसकी पावर में जो मर्जी हो, एन हो, तो इसकी पावर में जो मर्जी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1, और 1 आगे मौजूद है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है कि एक्स की पावर में, ये इसका इंटीग्रेशन है, 1 बाई 2 प्लस 1 कर लेंगे और वही पावर नीचे भी कर लेंगे, 1 बाई 2 प्लस 1। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये होगा कि एक्स की पावर 1 बाई 2 को ऊपर लेंगे तो वो पावर में माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी पावर ऊपर लाते हैं तो पावर में माइनस आ जाता है। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब नेक्स्ट कहानी है किसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, x की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 की जगह जब हम एलसीएम लेंगे 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 इसके एलसीएम, 1 प्लस 2 तो 3 बाई 2 आ जाएगा, तो 3 बाई 2 हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस, और इसी तरह हमारे पास x की पावर माइनस 1 बाई 2, इसका भी यही रूल अप्लाई हो रहा है कि फंक्शन है, पावर में जो कुछ मर्जी हो, उसका अगर डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है जी, हम x की पावर में माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस सी, सी लाजमी यूज करना है कॉन्स्टेंट को शो करता है, ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब ये 3 बाई 2 को आप इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ये तो सिंप्लीफिकेशन है 2 बाई 3, ठीक हो गया, मतलब 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे से डिवाइड चेंज हो गया, और एक्स की पावर 3 बाई 2, ठीक हो गया, एक्स की पावर प्लस, यहां पे इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, 2 एलसीएम, माइनस 1 प्लस 2 तो 1 बाई 2, यहां पे क्या आ गया, ऊपर भी आ गया x की पावर 1 बाई 2 और नीचे भी आ गया 1 बाई 2 प्लस c, ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। इनके हम लोगों ने आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते, ये 2 ऊपर आ जाएगा इसी तरह 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 2 और x की पावर 1 बाई 2 प्लस c, ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 बाई 3 x की पावर 3 बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट x, वापस लिख लेंगे प्लस सी, सो ये इसका इंटीग्रेशन है, ये इसका क्या है, इंटीग्रेशन है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटीग्रल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी, आप वो इंटीग्रल की वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रल की डेफिनेशन के एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये बेसिकली क्या था, ये जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं ये एरिया अंडर द कर्व होता है, हमारे पास कोई ग्राफ होता है, जैसे ये ग्राफ है तो इसके अंदर ये एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया। ये सारी फिलॉसफी मैंने इस इंटीग्रल की वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई, आप वहां जाके देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुकी है कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम नंबर 3 की होगी, आप उसे फॉलो कीजिए प्लेलिस्ट को, तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।